नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था कि कोरोना वायरस जो है वो विभिन्न देशों के अंदर जिस तरह से फैल रहा था, और ये आशंका जताई गई थी कि भारत के अंदर भी जो है वो इसका संक्रमण फैल सकता है, उसी तरह की कुछ जो है वो घटनाएँ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और राजस्थान सहित पूरे भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोरोना का जो खौफ है वो इस समय फैल चुका है। राजस्थान के अंदर भी बात करें तो सरकार की तरफ से जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके अंदर छुट्टियां कर दी गई है। मैं कोशिश करूंगा वो जो नोटिस है वो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाने की। साथ ही साथ बात करें तो पूरे भारत के अंदर लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लगभग 100 के करीब अभी जो है वो मरीज हो गए हैं भारत के अंदर। और इसके साथ साथ में दोस्तों बात करें तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप कोरोना वायरस से अपने को जो है वो बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और साथ ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि इस वीडियो को आप शेयर कर सको, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे आपको जो है वो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो सही और सामान्य भाषा के अंदर, साधारण भाषा के अंदर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने की। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप जो है वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बचाव के उपाय जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें इस कोरोना वायरस के बारे में देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों की उम्र जो है वो 58 साल से ज़्यादा है, ठीक है, यानी 50-55 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कोरोना के जो है वो होने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा है। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस ये कहती है कि बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो थाइमस ग्रंथि होती है उसका आकार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होता जाता है। और यही वजह है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादातर जो है वो ये रोग होने का ख़तरा है, यानी 60 से ऊपर साल के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा ख़तरा है इस रोग का। और इससे एक चीज़ और स्पष्ट होती है दोस्तों कि यहाँ पर जो कारण है इसका, कोरोना वायरस के फैलने का या कोरोना रोग के होने का, वो ये है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये रोग जो है वो होने की ज़्यादा संभावना रहती है। यानी मतलब ये है कि अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएँ या अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें तो उस कंडीशन के अंदर हम इस रोग से जो है वो बच सकते हैं। कोरोना जो है वो आम तौर पर बच्चों को प्रभावित नहीं करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाइमस जो ग्लैंड होती है या जो थाइमस ग्रंथि होती है उसका आकार बड़ा होता है, उस वजह से यहाँ पे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। और अगर रोग हो भी जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो करके और उस रोग के जल्दी सही रहने की, सही होने की जो संभावना है वो बच्चों के अंदर रहती है। साथ ही साथ बात करें तो कोरोना का जो वायरस है वो 7 से 8 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कोरोना का वायरस अगर वातावरण के अंदर है या मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो वायरस है वो 7 से 8 घंटे के अंदर नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी रोगी को ये कोरोना वायरस है और वो वायरस अगर उसके कपड़ों के ऊपर जो है वो लग गया है, या अगर हम हाथ मिलाते हैं या कपड़ों के ऊपर मान लीजिए लग गया है, और वो कपड़ा अगर मान लीजिए हम धूप के अंदर या कहीं भी 7 से 8 घंटे के लिए सुखा देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो जो वायरस है वो समाप्त होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यानी इसका जो जीवन काल है शरीर से बाहर वो 7 से 8 घंटे है, लेकिन अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर ये जो वायरस के कीटाणु है ये शरीर के अंदर अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर पता लगाने के लिए उनको रखा जाता है, उनकी जांच की जाती है, और पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें जो है वो अलग से सेपरेट रूम के अंदर रखा जाता है। और साथ ही साथ बात करें यहाँ पर कोरोना के लक्षणों की, तो कोरोना के जो लक्षण है दोस्तों वो कोई विशेष लक्षण नहीं है। सामान्य जो जुखाम के या बुखार के जो लक्षण है उस तरह के लक्षण आपको जो है वो दिखाई दे सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर, यानी खांसी आना, बुखार होना, सांस लेने के अंदर तकलीफ़ होना, क्योंकि रेस्पिरेटरी या श्वसन से संबंधित मेनली ये रोग है, सांस लेने के अंदर काफ़ी जो है वो तकलीफ़ होती है इस रोग के अंदर।
बचाव की दोस्तों बात करें तो बचाव के अंदर सबसे पहले तो बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में एक दूसरे को छूने से ये जो है वो रोग फैलता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर ये रोग है और आप उससे हाथ मिलाते हैं या अगर कोई खांसता है रोगी, तो उस कंडीशन के अंदर कोरोना का जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो कोशिश करें कि हाथ मिलाने से अभी बचें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, और अगर जाते भी हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर भी जाने से बचें। हालाँकि स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर छुट्टी ऑलरेडी जो है वो की जा चुकी है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों खाने पीने के अंदर अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर विटामिन सी का इंटेक आप ज़्यादा रखें। विटामिन सी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर लेने की कोशिश करें, यानी नींबू हो गया, साथ ही साथ आंवला इसके अंदर जो है वो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आंवला के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो क्षमता है उतनी शायद बाकी किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं है। तो आंवला का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जो भी कैंडीज़ वगैरह आती है, ठीक है, या अभी जो है वो बाज़ार के अंदर शायद हरे आंवले भी मिल रहे हैं, लेकिन कैंडी वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। दिन के अंदर कोशिश करें कि एक से दो आंवला आप ज़रूर अभी इस मौसम के अंदर, जब तक कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तो किसी भी रूप में आंवला ज़रूर खाएँ। नींबू भी जो है वो आप लगभग एक नींबू डेली का आधा सुबह आधा शाम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। संतरे वगैरह हो गए, तो ये जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, खट्टे फल हैं, उनके अंदर विटामिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, और इसके द्वारा आप आसानी से जो है वो इस रोग से बच सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फ़िलहाल आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का जो फ़ायदा है वो उठा पाएँ। फ़िलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।